लीजिए। सविता यंग लर्निंग एंड ड्राफ्टिंग ड्रेस, सविता घर की बहू है जो पुरानी सी पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए है। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन जो एक बुढ़िया के पास बैठी हुई है घर में। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास और बैठी बैठी शीशे के टुकड़ों को जोड़ रखी है। एज ए हस्बैंड मो मैकेनिकली लाइक ए टॉन्च ऑफ ए मशीन और उसका पति एक चिमटा लिए हुए है उसको हिला रहा है। आई वॉन्ट शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बंगल्स शी हैव मैक और मुझे लेखिका कह रही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये लोग चूड़ियां बनाने के कार्य को पवित्र मानते हैं, चूड़ियों को भी पवित्र मानते हैं जो हमारे देश में एक सुहाग का संकेत होता है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ये चूड़ियां हमारे देश की औरतों के लिए एक सुहाग का संकेत है। एस्पिशियसनेस इज इन मैरिज और शादी में ये एक शुभ संकेत है चूड़ियां पहनना। It will done on the hair suddenly one day when her head is draped with a red veil। जब लड़की अपने सिर पर लाल चुनरी पहनती है और हाथ में चूड़ियां पहनती है तो उसको सुहागिन कहा जाता है। Her hands dyed red with henna और लड़की अपने आंखों पर मेहंदी लगाती है, सिर पर लाल चुनरी ओढ़ती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है। ये हमारे देश में एक सुहाग का संकेत है। एंड रेड बंगल्स रोल ऑन टू हर वेस्ट और अपने हाथों पर लाल चूड़ियां पहनती है, ये सुहाग का संकेत है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, हाथों के मेहंदी लगाना, सिर पर लाल चुनरी पहनना, हाथों में चूड़ियां पहनना, यह हमारे देश में एक वधू होने का संकेत है। लाइक अ वर्ल्ड वुमन बिसाइड्स हर हू बिकम वन मेनी इयर्स अगो शी स्टिल हैज बैलेंस ऑन हर वेस्ट। सविता के पास जो बुढ़िया बैठी हुई है वो कई वर्षों पहले सुहागिन हुई थी, आज भी उसके हाथों पर चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है क्योंकि लगातार तेज ताप के आगे बैठे रहने से इन लोगों की आंखें जल्दी खराब हो जाती है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी से गुड़िया कहती है कि हमने तो जीवन काल में कभी पेट भर के खाना तक भी नहीं खाया, इतनी दयनीय स्थिति में रहते हैं। इन ए वॉइस स्टैंड ऑफ जॉय, जिसकी आवाज में कोई खुशी नहीं है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। बुढ़िया कहती है कि पूरे जीवन काल में कभी एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया। दैट इज द ही हैज रिपीट हर हस्बैंड इज एन ओल्ड मैन विद ए लॉन्ग बियर्ड। उस बुढ़िया का पति है वो एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी नीचे तक लटकी हुई है। Says I know nothing except bangles। बुढ़ा आदमी कहता है कि मैंने जीवन में केवल चूड़ियों के अलावा कोई दूसरा धंधा कभी किया ही नहीं, केवल हमारा काम चूड़ियां बनाने का है। All I have done was a house for the family to live in और मैंने अपने जीवन काल में चूड़ियां बनाकर केवल इतना ही किया है कि रहने के लिए एक घर बना लिया। Hearing him, one wonders if she has achieved what many have held in their lifetime। He has rubbed over his head। और कहता है कि मैंने तो कम से कम जीवन में रहने के लिए मकान तो बनाया, बाकी चूड़ियां बनाने वाले लोग
असफल रहे हैं, पूरी जिंदगी में चूड़ियां बनाई लेकिन फिर भी घर नहीं बना पाए। The tribe are not having money to do anything except carry on their business of making bangles, केवल चूड़ियां बनाने से धन की पूर्ति नहीं होती है, धन की तो किल्लत ही चलती रहती है। Not enough to eat, यहां तक भी चूड़ियां बनाने से हम घर पे खाना भी नहीं खा पाते हैं। Ringing in every home, हर घर में यही गूंज सुनने को मिलेगी। The young man echo the lament of their elders, little has moved with time, it seems in Ghurozabad, years of unnumbling toil have killed all instinct and the ability to dream. और फिरोजाबाद के अंदर काम करने वाले लोग केवल और केवल काल्पनिक सपने देखते हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. फिर लेखिका एक युवा लड़कों के एक ग्रुप या समूह को कहते हैं कि आप संगठन में क्यों नहीं हो जाते और संगठन में होकर सरकार के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते ताकि सरकार आपकी सुनाई करे। आप एक ही एक धंधे से क्यों जुड़े हुए, आप सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाओ, कोऑपरेटिव रहो। वो है फादर इनटू द विशेष सर्किल और मिडलमैन हो trapped their fathers and forefathers, even if a great organized we are the one who will be hired up by the police. लड़कों का ग्रुप लेखिका को जवाब देता है कि हम सब एक ग्रुप हो जाएं और सरकार के विरुद्ध में अगर आवाज उठाएंगे तो पुलिस हमें प्रताड़ित करेगी, मारेगी, पीटेगी, घसीटेगी। Beaten dead is jailed for doing something illegal. और पुलिस हमें अगर हम एकजुट हो जाते हैं और सरकार के विरोध में आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमें घसीटेगी और गैर कानूनी कार्य करने के दोष में हमें जेल में बंद कर देगी, इसलिए हम एकजुट नहीं होते। दे सेड, लड़कों के ग्रुप ने कहा, देयर इज नो लीडर्स अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सीइंग डिफरेंटली। हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमारी समस्याओं को समझ सके। Their fathers are tired as they talk endlessly in the speak spiral that goes from poverty to apathy to greed and injustice। इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रही है और हम लोग अंत तक इसी गरीबी में चलते रहते हैं। Listening to them, I see two distinct words. ये बातें सुनकर मैंने वहां दो प्रकार की दुनिया देखी है। One of the family caught in a web of poverty, एक वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। Burdened by the stigma of caste, और इन पर अपनी जाति का कलंक भी है। In which they are born, जिस जाति में इनका जन्म हुआ है वह जाति एक प्रकार की इनके लिए कलंक है। The other vicious circle of the साहूकार, दूसरे प्रकार की जो दुनिया है उसमें साहूकार लोग, बिचौलिए लोग, पुलिस वाले लोग, न्यायाधीश और कानून, ये दूसरी दुनिया है। The bureaucrats, नौकरशाही, and the politicians और राजनीतिक लोग, ये दूसरी दुनिया में आते हैं। Together they have imposed their barriers on the child that he cannot put down because he is aware, he accepts as a natural as his father। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सिर पर युवावस्था में बड़ा वजन आ जाता है जैसे उनके पिताओं पर आया था। To do anything else would mean to dare, अपने कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने का मतलब है बहुत बड़ा साहस, और ये साहस ये लोग नहीं जुटा पा रहे। And daring is not part of his wrong up, when I sense a flash of in a Mukesh, I am cheered, I want to be a motor mechanic। जब मैं मुकेश से ये कहते हुए सुनती हूँ कि मैं एक
गाड़ियों का मिस्त्री बनूंगा तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अपने आनुवंशिक धंधे को छोड़कर दूसरा कार्य करने की इच्छा तो रखता है कम से कम। आई वांट टू बी अ मॉडल मैकेनिक, ही रिपीट्स, एक बार दोबारा उसने दोहराया कि मैं गाड़ियों का मिस्त्री बनूंगा। ही विल गो टू ए गैरेज, मैं गैरेज में जाऊंगा एंड लर्न, और मिस्त्री का कार्य सीख लूंगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन वो गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, उसके पहुंच से बहुत दूर है। आई विल वॉक इन स्टेज, वह जोर देकर कहता है कि मैं गैरेज तक चलकर जाऊंगा। डू आप जो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेकिन मैंने पूछा क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही सडनली साइलेंट, हवाई जहाज का नाम सुनते ही वह शांत हो जाता है और कहता है नो, नहीं मैं हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता। ही सेड स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और मुकेश जमीन की तरफ तक तकिया लगाकर देखता है हवाई जहाज का नाम सुनते ही। It is smart, but there is an investment that has not yet turned into regret. He is content to dream to cars, वह कार चलाने का सपना देखता है। He is hurling down the street of his town. ये बात कहकर वह अपने शहर की एक गली में तेज से दौड़ता है। एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लड़का कहता है कि फिरोजाबाद के ऊपर से मुश्किल से कोई जहाज उड़ान भरकर आती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने का सपना तो मैं नहीं देखता। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। Because long ago, there were many storms that swept away. Their hills and homes. अनेक जन
मैनी पीपल इन द वर्ल्ड मेक सच प्रोमिसेस,